सुप्रभात। चलिए आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, जल। जल की महत्ता, जल की महत्ता तो बहुत है, चाहे जितना हम बात करें इसके बारे में बहुत ही कम है। यानी कि जल के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। जल है तो जीवन है, यही सत्य है और यही सच है। और जल पीकर ही हम बड़े हो जाते हैं और ज्ञानी बनते हैं, यही सच है। क्या आपको पता है कि जल को बचाने के लिए हमारी सरकार भी कितनी प्रयास करती है? ये इस बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन पहले तो है जीवन के बिना जल नहीं है। जब पृथ्वी हुई तभी से जल भी हमारे साथ ही रहा है, पृथ्वी के साथ ही हुआ है, जल का भी जन्म पृथ्वी के साथ ही हुआ है। लेकिन जल कई प्रकार के हैं, अच्छा जल भी है और दूषित जल भी है। जल पीने से हमें तबीयत अच्छी भी रह सकती है और प्रदूषित दूषित पानी पीने से भी हमारा स्वास्थ्य खराब भी होता है। यानी जल जीवन है, वो कैसे कि पशु पक्षियों को और इंसानों को जल जीवन देता है और पेड़ पौधों को भी जीवन देता है, जल जीवन देता है। ये सत्य है कि अगर पानी के बिना क्या पेड़ पौधे उग सकते हैं? अगर पानी के बिना पेड़ पौधे अगर उग नहीं सकते तो हमें धान नहीं मिलेगा, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल की महत्ता है। और दूसरी चीज, पशु पक्षी भी नहीं रह पाएंगे। क्या मछली जल के बिना रह सकती है? नहीं, क्योंकि मछली का जीवन ही तो जल है। मछली का जीवन ही तो जल है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसका जीवन तो पानी ही है, वो पानी में ही रहती है। भले ही हम पानी में ना रहे, लेकिन हमें पानी जीवन देता है, जीवन दान देता है, यही सच है, यही जल की महत्ता है। देखिए, जल आयात यातायात का संसाधन भी है। हम एक दूसरे शिप में यानी कि हवाई जहाज में हम बैठकर एक देश से दूसरे देश हम जा सकते हैं, एक गांव से हम दूसरे गांव भी जा सकते हैं। यहाँ का जो रहन सहन है हमारे देश से दूसरे देश जा सकता है, क्योंकि जहाज में बैठकर जो भी हमारी कल्चर है, रीति पद्धति रीति रिवाज जो है वो दूसरे देश में जाता है ना। इसलिए और बड़ी बड़ी मशीनरी जो यहाँ से निकलती है वो दूसरे देश में जाते हैं, और दूसरे देश से भी जो हमें लगता है कि ये मशीन चाहिए तो बड़ी और वजनदार मशीनरी सब जहाज के द्वारा ही आता है हमारे देश में। इसलिए जल संसाधन भी है, यातायात का साधन भी है। इसलिए हमें जल की महत्ता समझनी चाहिए। अगर जल ना हो तो त्राही त्राही हो जाता है, पशु पक्षी भी बस यूं ही बैठे रहते हैं, और हमारे घर में भी हम खाना नहीं बना सकते और पीने के लिए पानी भी नहीं रह सकता है ना। प्यास लगती है, क्योंकि देखिए आप गर्मी के दिन जो आए हैं तो इसमें पानी प्यास हमें लगती है, बहुत प्यास। कौन बुझाता है हमारी प्यास? सिर्फ खाने से ही नहीं होता है, साथ साथ में पानी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता है। तो आइए हम जल की महत्ता इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। कौन से ये पांच तत्व है? आकाश, धरती, जल, अग्नि और वायु। इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, परंतु पृथ्वी पर पानी पन पन में सबसे ज्यादा संयोग जल का रहा है। पन पन में यानी कण कण में पृथ्वी पर पानी जल का संयोग रहा है। इसलिए जल के बिना जीवन अधूरा है, ये तो
जल सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। यहाँ तक वेदों में भी जल का गुणगान किया है, वह जल अमृत है। जल अमृत है वैसे से क्योंकि हम खाना भोजन बनाते हैं तो जल को उसमें डालकर ही बनाया जाता है, हम उसे खाते हैं। अगर जल अगर ना रहा तो क्या यह भोजन बन पाता? नहीं बन पाता। क्या उसे खाकर बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। कच्चा दाना क्या हम खा सकते हैं? कच्चा चावल हम क्या खा सकते हैं? या तो कच्ची सब्जियां हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। जल के बिना क्या उसे हम गैस चूल्हे पर रखकर अगर अग्नि देंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा, लेकिन जब हम पानी डालते हैं तो ठंडा हो जाता है और कोई अच्छी तरह से सॉफ्ट यानी कि नरम बन जाता है, उसे खाने लायक बन जाता है, तभी भोजन खाने लायक हो जाता है। इसलिए जल अमृत है, इसलिए जल अमृत है, जल सत्य है। हाँ, ये भी सत्य है, अभी मैंने बताया जल सत्य है क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये सत्य है। थोड़ी देर के एक चार घंटे और पांच घंटे आप बिना पानी के क्या रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम इतना भागम दौड़ी करते हैं, इतना काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो गर्मी है, उसे पानी को गला देती है। इसलिए हमें प्यास लगती है, उसके बाद हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। यही सत्य है, जल जीवन है, यह एक सत्य है। जल ज्ञान है, यह भी मैंने आपको बताया कि इस पानी को पीकर यानी कि बना हुआ भोजन खाकर उससे पानी पीकर हमारा जीवन गुजारते हैं और इस जल को ही जल को पीकर ही हम बड़े हो जाते हैं। पढ़ लिख कर हम ज्ञानी बन जाते हैं, इसलिए जल ज्ञान है। देखो कई हमारे जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर पढ़े लिखे यानी जन्म लिए हैं, पले बड़े हमारे स्कूल में, हमारे देश के स्कूल में पढ़े हैं, वे बड़े ज्ञानी हो गए हैं और वे दूसरे देश में जाकर भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक साइंस जो बढ़ावा देता है उसे जल ज्ञान है, ये सिद्ध होता है। और जल औषधियां भी है, देखिए जल में मिलाकर नई औषधियां भी बनाई जाती हैं। एक मैं बात बताती हूँ, क्योंकि जब अजीर्ण होता है तो क्या होता है, हम सिर्फ पानी पीते हैं और उसी समय जल हमारे शरीर के अंदर औषधियों की तरह काम करता है, तो इसलिए जल औषधियां भी है। जल को पीकर हम खाना पचा सकते हैं, यह है जल की महत्ता। और ऐसा माना जाता है कि जल का धरती के साथ हुआ है, जल की एक बूंद से यानी कि बूंद बूंद से सागर, नदियां, तालाब ये सब बढ़ते हैं। जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा जैसे नल के पानी में से गिरे जैसा बढ़ता है, नहीं, एक एक बूंद जो धरती पर गिरती है और उस वर्षा की बूंद से, उस बारिश की बूंद से इस धरती की प्यास बुझती है। और वो कैसे, वो पानी, वर्षा का पानी जो है अंदर इस धरती के अंदर चला जाता है, उससे ही नदी भर जाती है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंसानों के शरीर में भी लगभग 70% जल ही होता है। अलग अलग जीव जंतुओं में यह 75 से 85% तक होता है। यहाँ तक कि हम जो साग सब्जियां इस्तेमाल में लाते हैं उनमें भी जल की मात्रा तीन चौथाई से ज्यादा ही होता है, तीन चौथाई से भी ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि
हम पेड़ पौधों को जब पानी डालते हैं, पेड़ पौधे उस पानी को लेकर बड़े हो जाते हैं। और जब देखिए आप कोई से भी पत्ता सब्जी लीजिए, उसे थोड़ा सा काट कर यानी अपने नाखून से काट कर देखिए तो आपको गीला दिखाई देगा, गीलापन दिखाई देगा, तो वही है उसके अंदर पानी। यानी कोई भी फल अगर आप उसे काट कर देखिए तो पहले गलेगा, पानी पानी होता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जल का निर्माण दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन से बना हुआ है। इस अगर इसके अनुपात में यानी कि रेशियो में अगर कम ज्यादा होता है तो पानी नहीं बनेगा, पानी बनना असंभव है। जल हमारे जीवन का आधार है, इससे पेड़ पौधों का विकास होता है, जल से ही खेतों में फसलें लहलाती है ना। यानी कि सिंचाई खेतों में जब नालों से जाती है, सिंचाई यानी कि खेतों में पानी कैसे जाती है, नालों से जाती है। जल से ही जंगल का विकास होता है, यानी कि जहां पर भी छोटा सा तालाब है वहां पे देखिए जंगल भी रहता है, बहुत बड़े 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 पेड़ हो जाते हैं, वर्षा के पानी से ही उन्हें पानी मिलता है और वे बड़े हो जाते हैं। अतः यह करना गलत नहीं होगा कि जल धरती पर वरदान है, किंतु सबसे दुख की बात यह है कि कुदरत ने इस उपयोगी जल को अत्यंत सीमित रखा है। यानी कि जल से ही जंगल का विकास होता है, जहां पर बहुत सारी बारिश होती है वहां पर देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, और वर्षा जब होती है तो उनका आयु भी बहुत ही लंबा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो वर्षा के ऊपर ही आधारित है ना। और दुख की बात है इसे बहुत ही सीमित रखा हुआ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं फिर से इस पाठ को पढ़ती हूँ। हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, इनमें है धरती, जल, आग, हवा और आकाश। परंतु पृथ्वी पर जीवन पनपने में सबसे ज्यादा सहयोग जल का रहा है। कहते हैं जल के बिना जीवन अधूरा है, ये मैंने बता दिया है आपको, जल के बिना जीवन अधूरा है। जल सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है, यहाँ तक कि वेदों में भी जल का गुणगान किया गया है। वेद कहते हैं जल अमृत है, जल सत्य है, जल ज्ञान है और जल में औषधियाँ भी है। ऐसा माना जाता है कि जल का जन्म धरती के ही साथ हुआ है, जल की एक एक बूंद से सागर, झील, नदियां, सरोवर ये सभी बने हैं। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंसानों के शरीर में भी लगभग 70% जल ही होता है। अलग अलग जीव जंतुओं में यह 75 से 85% तक होता है। यहाँ तक कि हम जो साग सब्जियाँ इस्तेमाल में लाते हैं उनमें भी जल की मात्रा 3/4 से ज़्यादा ही होती है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जल का निर्माण दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलकर होता है, इसके अनुपात में अंतर होने पर जल का बनना असंभव है। जल हमारे जीवन का आधार है, इससे पेड़ पौधों का विकास होता है, जल से ही खेतों में फसलें लहलहाती हैं, जल से ही जंगल का विकास होता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि जल धरती पर वरदान है, किंतु सबसे दुख की बात यह है कि कुदरत ने इस उपयोगी जल को अत्यंत सीमित
रखा है। यानी कि कुदरत ने इस जल को अत्यंत सीमित रखा है। सीमित यानी कि सभी जल पीने लायक या इसे इस्तेमाल करने के लायक नहीं रखा है। यही इसका अर्थ है कि जल को सीमित रखा गया है, है ना। फसलें लहलहाती है, इन फसलों को सिंचाई यानी कि खेतों में भी जल को सिंचाई द्वारा यानी टपक विधि सिंचाई है और नालों के द्वारा भी पानी भर जाता है। कैसे हमको जब हम सफर करते हैं ट्रेन में बैठकर, तो हमें खेतों के पास ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना हरा भरा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पानी जो पहुंचता है उनके पास उन तक, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।